हेलो, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां आपको प्रतिदिन फ्री लाइव क्लासेस कराया जाता है, साथ ही प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को टेस्ट लिया जाता है। परीक्षा के 2 महीने पहले से अनसॉल्व बोर्ड पेपर हल कराया जाएगा। आप समय से तैयार रहे। हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 ठीक है जो कि एनसीईआरटी से बताया जा रहा है तो इंग्लिश ग्रामर हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने इंग्लिश ग्रामर ही बताया था तो उसमें भाग 1 बताया था किसका, फिगर ऑफ स्पीच का। तो ये हम भाग 2 लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में बाकी जो टॉपिक रह गए थे उसको हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो हम आपको बताने वाले हैं, 3 हमने बता दिया था पर्सोनिफिकेशन तक आपको, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको 4 से बताना प्रारंभ करेंगे। 4th नंबर क्या है आपका, एपास्ट्रॉफी, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच जो 4th है उसका नाम क्या है, एपास्ट्रॉफी, ठीक है। तो आइए हम इसको समझेंगे अब अच्छे से कैसे करना है। हम जैसे पिछले वीडियो में बताए थे बिल्कुल वैसे ही आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एपास्ट्रॉफी, ठीक है। अब हम देखेंगे एपास्ट्रॉफी की हिंदी क्या होती है। तो एपास्ट्रॉफी को क्या कहते हैं हिंदी में, एपास्ट्रॉफी को हिंदी में कहते हैं संबोधन, ठीक है, संबोधन। आइए देखते हैं, अब इसको अच्छे समझ लेते हैं। तो हो जाएगा ये संबोधन, ठीक। तो ये हो गया, तो संबोधन को हम समझेंगे कैसे, आइए एकदम अच्छे से पहले हिंदी में समझा देंगे, उसके बाद हम आपको लिख के समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये संबोधन जो होता है यह संबोधित करता है डायरेक्ट किसको, जो चीज उपस्थित नहीं हो, अनुपस्थित होता है उसको डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, संबोधित करता है, ठीक है। तो चलिए एपास्ट्रॉफी को हम समझते हैं अब अपने भाषा में कैसे इसको लिखना होता है, आपको कैसे लिखेंगे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या इसका डेफिनेशन, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे एपास्ट्रॉफी, ठीक है, एपास्ट्रॉफी एपास्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, ठीक है, कॉमा टू द एब्सेंट, ठीक, फिर कॉमा एंड टू द एब्सेंट आइडियाज, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेफिनेशन आपका, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे एपास्ट्रॉफी, ठीक है, पीएच है, तो एपास्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, ठीक है, टू द एब्सेंट आइडियाज। तो संबोधन जो होता है वह संबोधन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है तो इसका क्या होता है, ये डायरेक्ट दिखाता है किसको, एड्रेस टू द डेड, ठीक है, किसी मृत व्यक्ति को, किसी मरे हुए व्यक्ति को, टू द एब्सेंट या फिर किसी अनुपस्थित लोगों को, या फिर, ठीक है, टू द एब्सेंट आइडियाज और अनुपस्थित विचारों को, ठीक है। तो ये इसमें बताया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल समझाएंगे तो और भी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने इंग्लिश में हम आपको बताए थे, ठीक है, तो क्या था, आइए देखते हैं उसको, एग्जाम्पल समझते हैं कि जो कवि थे आपके क्या कह रहे थे, ओ वर्ल्ड, ठीक है, ओ वर्ल्ड कमा ओ लाइफ, ठीक, कमा ओ टाइम। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल, क्या है, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ठीक है। तो वही क्या कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे अनुपस्थित चीजों को डायरेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एपास्ट्रॉफी हो गया, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं
अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। तो अगला फिगर ऑफ स्पीच है आपका पांचवा नंबर, हाइपरबोल। हाइपरबोल आइए उसको देखते हैं। तो आज का ये पांचवा नंबर आपका है हाइपरबोल, इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। इंग्लिश में कहते हैं हाइपरबोल, हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। तो आइए इसको समझते हैं कि अति इसमें हाइपरबोल का मतलब क्या होता है। इसमें बात क्या की जाती है, चढ़ा बढ़ाकर बात की जाती है, ठीक है। कोई भी चीज रहेगा छोटा तो उसको चढ़ा बढ़ाकर बताएंगे, तो ये होता है आपका हाइपरबोल, ठीक है। आइए इसको समझते हैं एकदम अच्छे से, एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसका डेफिनेशन बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे सबको लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे, हाइपरबोल, ठीक है, हाइपरबोल इज ए, ठीक है, इज ए फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच जो कि, ठीक है, थिंग्स, इन विच थिंग्स, ठीक है, और पर्सन, पर्सन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, और पर्सन आर रिप्रेजेंटेड मतलब दिखाता है, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, एज, ठीक है, एज ग्रेटर, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, बेटर, बेटर और वर्स, डब्ल्यू ओ आर एस ई, ठीक है, वर्स हो गया। अब क्या हो जाएगा, देन दे, ठीक है, एक्चुअली, एक्चुअली आर, हो गया डेफिनेशन। ऐसे इसको लिखेंगे। आइए हम इसको एकदम बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि ये होता क्या है रियल में। हमने तो लिख दिया, अब इसको समझा दे थोड़ा सा। तो क्या होता है, हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच थिंग्स, जो जो कि क्या करता है, किसी वस्तु को और पर्सन किसी व्यक्ति को आर रिप्रेजेंटेड दिखाता है, ऊपर मतलब प्रस्तुत करता है, एज जैसे ग्रेटर, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर, वो चढ़ा बढ़ाकर बात किया, या तो महान दिखाएगा या तो सबसे अच्छा दिखाएगा, ठीक है, या तो भी सबसे अलग दिखाएगा, ठीक है, कुछ चढ़ा बढ़ाकर उसमें बताया जाएगा, देन दे आर एक्चुअली, तो वो जो ऐसा वास्तव में होता है उससे कुछ चढ़ा बढ़ाकर बात की जाएगी उसमें, ठीक है। तो एक बात बोले आपसे तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एक एग्जाम्पल देंगे आपको, छोटा सा एग्जाम्पल, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम आपको हाइपरबोल का डेफिनेशन लिखने का तरीका बता रहे थे और समझा भी दिए कि हाइपरबोल क्या होता है, जो रियल में होता है, जो वास्तव में होता है, उसके बारे में कुछ चढ़ा बढ़ाकर बताना ही क्या कहलाता है, हाइपरबोल कहलाता है। तो आइए हम अब इसको समझते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, सी सेड, ठीक है, सी सेड, ठीक है, ओशियन, ओशियन ऑफ टीयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी मतलब वह, सेड मतलब गिराती है, ओशियन मतलब सागर, ठीक है, सागर ऑफ टीयर। तो क्या कहने का मतलब कि वह आंसुओं का समुद्र बहा दी, ठीक है, तो वह आंसुओं का क्या करी, सागर बहा दी। तो इस प्रकार देखिए उसके आंसू को क्या कहा जा रहा है, सागर की तरह बताया जा रहा है। तो ये क्या है, बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही, तो उसके आंसू को सागर के, सागर की तरह बताया जा रहा है, तो इसमें क्या है, बात चढ़ा बढ़ाकर की जा रही है। तो इसमें हम कहेंगे क्या कि ये कौन सा है, ये हाइपरबोल है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो ये समझ में आ गया, तो अब हम समझते हैं छठवां नंबर आपका क्या है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो छठवां है आपका क्या है, छठवां आपका है ऑक्सीमोरॉन। क्या है, ऑक्सीमोरॉन, आइए उसको समझते हैं। तो क्या होता है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सी, तो ये होता है आपका ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, विरोधा
भास, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। आइए अब इसको भी बेसिक तरीके समझते हैं हम, जैसे सबको समझ रहे हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आता रहे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा विरोधाभास का। आइए इसको भी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे डेफिनेशन जैसे सबका लिखते आए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन इज, ठीक है, इज द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन, ठीक है, इन विच, क्या हो जाएगा, इन विच टू अपोजिट, इन विच टू अपोजिट आइडियाज, ठीक है, आर, ठीक है, आर पुट टुगेदर, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे डेफिनेशन, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए अब हम इसको समझा देते हैं आपको, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाए कि ऑक्सीमोरॉन होता क्या है। ऑक्सीमोरॉन का अर्थ होता है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब आपको कुछ शब्द से लग रहा हो कि विरोध, भाषा का विरोध, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच। तो ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, जो कि टू अपोजिट आइडियाज, दो विपरीत विचारों को, आर पुट टुगेदर, रखते हैं एक साथ, एक साथ दो क्या है, विपरीत रखते हैं विचारों को, एक साथ रखते हैं। तो आइए आपको ये समझ में आ गया होगा, तो कैसे रखेंगे ये आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा, ये समझ नहीं आ रहा होगा। चलिए तो हम एक एग्जांपल इस पे आपको बता देंगे, तो हमारी ये गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपना लाइक और कमेंट जारी रखें, ठीक है। चलिए तो देखिए हम इसको कैसे समझाते हैं, बिल्कुल एग्जांपल बहुत सिंपल होता है इसका। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे बोले, एक एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल में क्या लेंगे, लाइफ, ठीक है, लाइफ इज बिटर, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जीवन क्या है, जीवन कड़वा मीठा है, समझ में आ रहा है, जीवन क्या है, जीवन कड़वा मीठा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बिटर मतलब होता है कड़वा, कड़वा, ठीक है, और स्वीट मतलब होता है मीठा। तो आपको समझ में आ रहा है, हम इसमें बोले थे क्या कि दो अलग अलग विचारों को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे दो अलग अलग विचार एक साथ रखे हुए हैं, तो क्या है, अपोजिट तो है, एक क्या है कड़वा है, ठीक है, और क्या है दूसरा मीठा है, बिटर मिस कड़वा, स्वीट मिस मीठा, तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीमोरॉन है, समझ में आ रहा है, तो समझ में आया। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से हम समझाते हैं आपको, कि देखिए एग्जांपल में समझिए कि जीवन क्या है, कड़वा मीठा है, कड़वा मीठा, कड़वा मतलब बीटर, स्वीट मतलब मीठा, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, विरोधाभास के हिसाब से बोले तो विरोध कर रहे हैं, एक तो बता रहा है कड़वा है, एक तो कह रहा है मीठा है, तो ये विरोध तो हो रहा है ना इन दोनों वर्ड में, तो ये दोनों एक साथ भी आए हुए हैं, तो इसी को कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। चलिए तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताते रहिए। एक और बचा है आपका फिगर ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं और फिर से बताते हैं। आइए एक एग्जांपल और बताते हैं आपको, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम आपको एक एग्जांपल और कराएंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग और कंफ्यूज होगा, तो और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए एक एग्जांपल और देखें, तो अगर हम लिखें हैविंग, ध्यान से देखिएगा, हैविंग नथिंग ही हैज आल, इसका अर्थ क्या होगा पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, चलिए हम बता देते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है हैविंग नथिंग ही हैज आल, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है,
ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये विरोधाभास है, ठीक है, इसमें विरोध हो रहा है। तो ही है नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, तो ये क्या है? ही हैज नथिंग, ही हैज ऑल, ठीक है। तो इसमें उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पास सब कुछ है, तो ये एक दूसरे के विरोधी है, ठीक है। हैविंग नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, हैज ऑल मतलब सब कुछ, तो ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, अपोजिट है। तो हम इसको कहेंगे क्या? ये ऑक्सीमोरन है। तो ये हमने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए, दूसरा ये है और पहला ये है। आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लेकर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और आपका इसमें पूरा पूरा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से एग्जाम्पल देते हैं, तो आपके इससे जो चार नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हमारी ये गारंटी है कि वो आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, बस दो दिन निकालिए, आप मन से पढ़िए, आपको ये सातों के सातों फिगर ऑफ स्पीच एकदम जुबान पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक लास्ट बाकी है जो सातवां नंबर है, ठीक है। तो सातवां नंबर क्या है? ओनोमोटोपोया, इसको कहते हैं ध्वनि सूचक। आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, इसको समझाते हैं अच्छे से। तो देखिए क्या है, सातवां नंबर है आपका ओनोमोटोपोया, इसका स्पेलिंग क्या होता है? ओनो, ठीक है, मेटो, ठीक है, पोइया, पी ओ ई, ठीक है, आई ए, तो ये होता है आपका ओनोमोटोपोया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, सॉरी, इसको कहते हैं ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक। ध्वनि मतलब आवाज से मतलब है, ध्वनि से मतलब है, सूचक मतलब सूचना देता है, समझ आ रहा है? तो ध्वनि से जो सूचना मिलेगा यही क्या होगा? आपका ओनोमोटोपोया होगा। तो इसको समझ सकते हैं, इसके शब्द में भी थोड़ा घुस के निकाल दिए कि ध्वनि सूचक मतलब ध्वनि की माध्यम से सूचना मिलती है आपको। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, लिखेंगे क्या? ओनोमोटोपोया, ओनो मेटोपोया, ठीक है, इज द फिगर, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच इन विच, इन विच द, ठीक है, इन विच द साउंड, साउंड सजेस्ट, सजेस्ट, ठीक है, इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग, समझ आया? तो जो इसकी ध्वनि होती है, साउंड होता है, वह इसके मीनिंग को बताती है, इसके अर्थ को बताती है, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कहने का मतलब इसके साउंड से, जैसे अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, तो आप हमारी आवाज को सुनकर बता सकते हैं कि हम कौन बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है इतना, है ना? अगर बिल्ली की आवाज सुनेंगे तो आप आवाज सुनकर बता देंगे कि ये कौन बोल रहा है, कुत्ता भौंक रहा है या फिर क्या शेर बोल रहा है या फिर बिल्ली बोल रही है, आप बता सकते हैं, उसकी ध्वनि से बताएंगे। तो यही होता है ध्वनि सूचक, ओनोमोटोपोया, ठीक है। तो इसमें ध्वनि सुनकर आपको मीनिंग बताती है। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं आपसे थोड़ा सा। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको समझ में, एक ही एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अगर बोले द डॉग, द डॉग, द डॉग बार्क, द डॉग बार्क्स, क्या है? कुत्ता भौंकता है, समझ में आया? कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। तो बार्क मतलब होता है भौंकना, तो भौंकेगा कौन? इंसान तो भौंकेगा नहीं, ठीक है, कुत्ता ही भौंकेगा। तो इसमें बात करें हम कि जो भौंकने का काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, इसकी मीनिंग इस जो ध्वनि है ये किसको दिखा रही है? इसके मीनिंग को बता रही है। मीनिंग आपका क्या हो जाएगा? कुत्ता, डॉग, तो ये हो जाएगा आपका कुत्ता, ठीक है। तो इसके ध्वनि से, इसमें बस ये समझना है कि उसके साउंड से उसके मीनिंग का हमको एड्रेस मिलता है, यानी पता चलता है कि उसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो इसमें ध्वनि से उसके मीनिंग को बताई जाती है, इसमें होता है ओनोमोटोपोया, उसी को कहते हैं ध्वनि सूचक, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आया होगा। जैसे एक छोटी सी बात करें, एक और छोटी सी बात करें इस पे, कि अगर आपको बोला जाए कि अगर आप
से कोई बोलता है कि तुम वहां मत जाओ तो ऐसा कौन बोल सकता है? किसी मनुष्य की ही आवाज होगी, तो आप उसके आवाज से बोलेंगे कि हाँ ये मनुष्य बोल रहा है, ठीक है। अगर वही कुत्ता भौंकेगा तो आप बोलेंगे कुत्ता बोल रहा है, ठीक है। तो बस वही उसके आवाज को सुनकर, उसके साउंड को सुनकर आप उसकी मीनिंग बता सकते हैं, यही होता है ओनोमोटोपोइया, ठीक है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आपको सातों के सातों जो फिगर ऑफ स्पीच थे, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक। चलिए, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हमने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके इसमें से पूरे नंबर जो है बन जाएंगे, इस बात की हमारी गारंटी है, ठीक है। तो इसमें से कोई मिस नहीं करना है आपको, शुरू से लेकर सिमली से लेकर के आपको ओनोमोटोपोइया तक की टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच बार आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।